अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब? लॉन्ग टाइम नो सी। आज हम लोग जो ये व्लॉग बनाएंगे, आज मैं जो ये व्लॉग बनाऊंगी ये है, हम आज घूमने जा रहे हैं शाही किला। थोड़ी देर पहले मैं उठी थी, उसके बाद मैंने बाल स्ट्रेट किए हैं, अब मैं नाश्ता बनाऊंगी। लुक एट माय हेयर्स। अब मैं नाश्ता बनाऊंगी और देन हम लोग शाही किला, मीनार पाकिस्तान और बादशाही मस्जिद के लिए निकलेंगे और आई होप के शूट करने दें वहाँ पे। सो लेट्स सी। शक्ल इधर कर लो। निकल गए हैं शाही किले और बादशाही मॉस्क की तरफ। सो होप कि आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे और हम इन्जॉय करें। तो जी, हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं बादशाही मॉस्क की तरफ और बस विद इन 5 मिनट्स में हम अंदर होंगे। और मैं यहाँ कोशिश कर रही हूँ कि मैं किला शूट कर सकूँ या मॉस्क शूट कर सकूँ, बट आई एम फेलिंग। सो गाइस, फाइनली वी आर इन। हम अभी ट्रेन में बैठे हैं और ये ट्रेन हमें पूरा घुमाकर मॉस्क उतारेगी और हम वो मॉस्क विज़िट करेंगे। इसके बाद हम शाही किला जाएंगे, देन मीनार पाकिस्तान। सो लेट्स सी, यू कैन सी मैं छोटी छोटी से शूट्स कर रही हूँ बीच में मॉस्क वगैरह के और सब चीज़ों के दूर से। अभी हम अंदर नहीं गए हैं, अभी ये ट्रेन पूरा टाइम लग पाएगी। ऑपोजिट है मीनार पाकिस्तान और शाही किला और बहुत ही खूबसूरत जगह है। मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है तो मैंने तो बहुत इन्जॉय किया और स्टिल जो है वो कर रही हूँ। सो लेट्स सी। ये क्लोज व्यू है मीनार पाकिस्तान का। सुनने में आया कि मीनार पाकिस्तान बंद है बिकॉज़ हम लोग सैटरडे को गए हैं और सैटरडे को इंतहाई का रश है,
बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस के ट्रिप्स आए हुए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त रश था। ये नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम है जो कि बाहर से बहुत खूबसूरत है, अंदर से हमने विज़िट नहीं किया था उसकी। सो यस, अब हम वापस जा रहे हैं, वापस का राउंड लगा चुके हैं, अब हम वापस जाएंगे और हमने ये फिर डिसाइड किया कि हम मीनार पाकिस्तान विज़िट नहीं करेंगे। यहाँ पे जी मैं बैठी हुई हूँ अपने हस्बैंड के साथ, ये मेरी मदर और सिस्टर्स पीछे बैठी हुई हैं और मैं अपने इन-लॉज का वेट कर रही थी, तो हमने कहा चलो ट्रेन का राउंड लगा लें। और बस अब हम वापसी का राउंड लगा रहे थे और ये है बाहर से व्यू माशरंग मॉस्क का और ये हमें इसके गेट पे उतार देगी ट्रेन और उसके बाद हम अंदर जाएंगे। बहुत ज़्यादा रश है, बहुत सारे ट्रिप्स आए हुए हैं, सो लेट्स सी कि क्या बनता है। तो जी हम अंदर आ गए हैं और ये एंट्रेंस है बादशाही मॉस्क की। ब्यूटीफुल मॉस्क है ये, बाहर से भी और अंदर से तो लाजवाब है। मैंने बहुत सुना था लेकिन कभी विज़िट नहीं किया था, तो इस दफ़ा जब मेरे हस्बैंड आए और मेरे देवर की भी शादी हुई हुई थी नई नई, तो हमने कहा चलो यहीं घूमने चलते हैं और मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, तो जी यहाँ मैं अपनी सिस्टर को बोल रही थी कि ज़रा मेरी थोड़ी सी वीडियो तो बना दो इतनी प्यारी मस्जिद के साथ। और मैं कोई बेअदबी नहीं कर रही, पूरी दुनिया ही शूट कर रही थी, तो प्लीज़ नेगेटिव कमेंट साइट पर। और हम लोग इन्जॉय कर रहे थे यहाँ पर, बहुत खूबसूरत लग रहा था सब कुछ। तो जी यहाँ पे हमने सोचा कि अंदर से भी थोड़ी जो है वो मस्जिद देख ली जाए और नमाज़ वग़ैरह का सीन कर लिया जाए थोड़ा, बट बहुत शाम हो रही थी और बहुत देर भी हो रही थी और हमने बहुत सारी चीज़ें मज़ीद विज़िट करनी थी, तो मैंने बस जल्दी जल्दी से अंदर का इंटीरियर शूट करने की कोशिश की। इस कॉर्नर में हमने पिक्चर्स भी ली थी और हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। बहुत 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 ज़्यादा माशाल्लाह खूबसूरत मस्जिद है ये और मैं तो फ़ैन होगी इस मस्जिद की। ब्यूटीफुल इंटीरियर। और बस अब हम बाहर की तरफ निकलेंगे, हमने अच्छे से मस्जिद विज़िट कर ली थी, बट अब नेक्स्ट स्टॉप जो होगा वो हमारा शाही किला होगा जो कि आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। क्योंकि जो गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हुई थी जो शाही किले की वीडियो है, व्लॉग है, वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। और यहाँ पे मैं कोशिश करी थी इनकी पिक्चर्स लेने की, मेरी सिस्टर्स खड़ी हुई हैं, मेरी देवरानी हैं और सिस्टर्स हैं। और यहीं पे मैं ये व्लॉग ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।